मार्केट में बहुत सारी दुकानें आप देख सकते हैं, जिसमें ऐसे भी दुकान है जहां टमाटर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, आप कैमरे में देख सकते हैं, या तो फिर वहां टमाटर नहीं है, क्योंकि व्यापारी बहुत से हैं जो टमाटर या तो ला नहीं रहे हैं, या तो फिर इतनी जो कह सकते हैं कि टमाटर का स्टॉक इतना कम हो चुका है कि लोग अब टमाटर को बहुत ही कम उपयोग करने पे तुले हुए हैं। लेकिन ये है कि टमाटर के बिना घर का किचन भी सब्जी भी स्वादिष्ट नहीं बन पाती। तो और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ उपस्थित और उनसे जानेंगे कि टमाटर के ना होने से या टमाटर के रेट बढ़ने से क्या क्या प्रभाव पड़ा है। क्या नाम है दीदी आपका? प्रीति लता भारती। टमाटर का रेट बढ़ा है, इससे आपके चूल्हे में कोई असर पड़ा? नहीं नहीं नहीं, मतलब टमाटर आप ले ही रहे हैं? हाँ। इतना भी किलो रहे टमाटर तो लेना? हाँ। मतलब एक किलो टमाटर आपको कितने दिन चल जाता है? हाँ, 5-6 दिन, एक हफ्ता। एक हफ्ता चले जाता है, पूरे सब्जी बनाते हैं। अभी भी उतना ही टमाटर? हाँ, लेते हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? प्रीति लता भारती। टमाटर को लेके और भी लोगों से बात करते हैं, दादाजी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनके घर का घर में सब्जी जो जाती है उसमें टमाटर का रेट और अन्य सब्जी के रेट बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ा। क्या नाम है दादाजी आप? मुझे उमाकांत तिवारी कहते हैं जी। अभी सब्जियों का रेट बढ़ा है, आप किस तरह से देख रहे हैं उसको? देखिए, हम लोग रिटायरमेंट वाले हैं तो हम लोग को तो फ़र्क पड़ता है जी। लेकिन यह खाना तो है ना, तो लेना पड़ता है भाई। पहले 1 किलो लेते थे, अभी 0.5 किलो ले रहे हैं, है ना। टमाटर है, उसके भाव आसमान छू रहे हैं एकदम से। बाकी सब्जियों के भी भाव बढ़े बढ़े? हाँ, सारे सब्जियों के फिलहाल भाव बढ़े हुए हैं अभी आज के तारीख में। भाजी 60 रुपये किलो मिल रही है, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। हैं, कुंदरू जिसे कोई नहीं खाता था, आज कुंदरू 60 रुपये किलो है। कुमड़ा ऐसी सब्जी जो है वो 40 रुपये किलो मिल रही है। क्या कारण लगता है आपको इतना ज़्यादा? हम तो बगीचे में भी, मैं बगीचे मैनेजर था पहले सब्जी बगीचे में, तो मुझे मालूम है बगीचे से जो माल है ये 10 रुपये किलो निकलता है, है ना। जिसमें 10 रुपये में उसकी लागत भी रहती है, लेबर का भी रहता है, सबका रहता है। वही माल यहाँ के 40 रुपये हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो बिचौली हैं, अड़तियाँ हैं, उनका होता है। वो ज़्यादा फायदा वो खा जाते हैं। जो असली मेहनत करते हैं उसको उसकी असली कीमत नहीं मिल पाती। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे सरकार को मार्केट बनाना चाहिए जहाँ खुद ही आने सरकार के लोग बैठ के खरीदें अड़तियाँ, सब्जी जो है अड़तियाँ हटना चाहिए उसमें, तो फिर सब्जी हमको जो 10 की जगह 20 में मिलेगी ना, 40 में तो नहीं मिलेगी हमको आज के तारीख में। सारी बातें आर्थिक रूप से तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब जीना है तो खाना है तो खाते हैं, चलते रहता है ना। दादाजी का कहना है कि जो बिचौलिए हैं वो जो सब्जियों का रेट है वो बढ़ाते चले आ रहे हैं। अगर ये मार्केट में सरकार खरीदे सब्जियों को तो उससे जो है वह रेट में वृद्धि थोड़ी सी जो अभी है उससे कम होगी।